स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं एक और क्रिटिकल बग लेके आया हूँ, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने प्रिविलेज एस्केलेशन किया आईडोर की मदद से। और देखिए, अगर सिंपल आईडी होती है तब तो आईडोर हमारा बहुत सरल होता है कि हम बस यहाँ पे आईडी चेंज कर दें दूसरे यूज़र की और हमें डेटा दिख गया, या फिर चेंज कर दिया हमने। लेकिन जब बात यूयूआईडी की आती है तो यूयूआईडी का मतलब होता है यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर। यहाँ पे इतना रैंडम टेक्स्ट होता है कि आप ना ही से ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, मतलब किसी तरीके से आप इसे चेंज करेंगे वो गलती आएगी, क्योंकि ये हमेशा मतलब ये रैंडम होता है हर एक यूज़र के लिए बिल्कुल। तो कैसे मुझे यूयूआईडी पे मिला वो मैं आज बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मान लीजिए आपको एक एंड पॉइंट मिल गया, आपको लग रहा है कि हाँ आपने दो अकाउंट क्रिएट करे तो दोनों की यूयूआईडी अलग होंगी, तो दूसरा अकाउंट की यूज़र आईडी पेस्ट कॉपी करके आप अपने पहले वाले अकाउंट में जहाँ पे आप इंटरसेप्ट कर रहे हो वहाँ पे आप पेस्ट करके चेक कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो मैं दिखाऊँगा। तो दो तरीके हैं यूयूआईडी फाइंड करने के, पहला है वेबैक मशीन और दूसरा है वो वेबसाइट खुद जिस पे आप टेस्ट कर रहे हैं। अब ये पहला मेथड तो आपको पता ही है, वेबैक यूआरएल्स आसानी से निकाल सकते हैं, वेबसाइट में खुद कैसे करेंगे और मुझे कैसे मिला आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये एक ईपीटी नाम का ऐप है, वेब एप्लीकेशन है। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे कोर्स खरीद सकते हैं या फिर जो जिन्होंने ख़रीदा है वो फीडबैक दे सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक एंड पॉइंट मिला, आप देख सकते हैं API/course rating करके और कोर्स की आईडी दी है, यानी कि जिन जिन बच्चों ने इस कोर्स पे रेटिंग करी होगी, अपना फीडबैक दिया होगा, जब मैं इस गेट रिक्वेस्ट इस एंड पॉइंट पर करूँगा तो मुझे उन सभी बच्चों की डिटेल मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं जो अंडरस्कोर आईडी है ना, यही यूयूआईडी है। अंडरस्कोर का मतलब होता है प्राइवेट वेरिएबल। तो अगर मैं इतना ही रिपोर्ट करता तब ये मीडियम सीवियरिटी होती, क्योंकि इसमें देखिए एक तो नेम डिस्क्लोज हो रहा है और उसकी ईमेल आईडी जिसने भी कमेंट किया होगा इस कोर्स पे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये अपना एंड पॉइंट है, सेंड करी तो यहाँ पर हमें काफ़ी बच्चों की यूयूआईडी मिल गई। अब सिंपल सा किसी एक बच्चे की यूयूआईडी कॉपी कर लेनी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सिलेक्ट कर दी मैंने यूयूआईडी। अब आपके पास एक विक्टिम का अकाउंट होगा, एक अटैकर का। तो ये आप देख सकते हैं कि जो मैं क्रोम पे खोला हुआ हूँ नॉर्मल विंडोज़ पे, ये है मेरा विक्टिम का अकाउंट, ठीक है। तो विक्टिम के लिए मैंने क्या करी, यहाँ से विक्टिम की ईमेल आईडी पता लग जाएगी और यहीं पे आईडी होगी उसकी। तो मैंने उस विक्टिम की आईडी कॉपी कर ली सिंपल, और मैंने क्या करा नोटपैड पे कर रखा है पेस्ट। तो अब मेरे पास क्या है, विक्टिम की यूयूआईडी है, मुझे कहाँ से मिली, उस वल्नरेबल एंड पॉइंट से, कोर्स रेटिंग से। अब मैं आ गया अटैकर के अकाउंट पर, ये देखें अपनी काली लिनक्स के अंदर फायरफॉक्स में, और वो किस पे था, क्रोम पे। तो ये अटैकर के अकाउंट से मैं सिंपल अपनी प्रोफाइल करूँगा एडिट। अब ये एडिट रिक्वेस्ट हमने इंटरसेप्ट कर ली। अब बस यहाँ पे आप देख रहे हैं, बस हमें आईडी चेंज करनी है, विक्टिम की आईडी डाल देंगे बस सिंपल सा। ये विक्टिम की आईडी करी कॉपी और यहाँ पे कर दी पेस्ट। ये देखिए इधर ही आ रही है, यहाँ पे कर दी पेस्ट। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ईमेल भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए सर्वर क्या करेगा कि वो देखेगा भाई सेम ईमेल आईडी इधर है, इस यूज़र की आईडी के लिए भी ये वाली ईमेल है और दूसरे यूज़र के लिए भी यही ईमेल आईडी है, तो वो कह देगा कि भाई ये तो सेम ईमेल आईडी नहीं हो सकती, इसलिए हमें यहाँ विक्टिम की ईमेल आईडी लिखनी है। विक्टिम की ईमेल आईडी कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी इस एंड पॉइंट से।
जो यूआईडी लीक कर रहा होगा ना भाई, उसकी ईमेल भी लीक करेगा, देख सकते हैं। दोनों चीज़ें होंगी हमारे पास। तो यहाँ पे हमने करा चेंज सब कुछ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये रिक्वेस्ट को कर दिया फॉरवर्ड। या इंटरसेप्ट कर लिया रिस्पांस को, तो देख सकते हैं लिखा गया अपडेटेड सक्सेसफुली, ये लिखा गया। अब विक्टिम जब अपने अकाउंट पे जाएगा या फिर आप ही अपने अकाउंट पे जाएंगे, दूसरे वाले अकाउंट पे ही देखा है, क्रोम वाली प्रोफाइल है मेरी, और जैसे ही देखने रिफ्रेश करा, यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट चेंज किया है, शायद देखा नहीं आपको, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे हैक्ड करके कुछ लिखा है ना 697, और ये डेविल वाली विक्टिम की ईमेल और आईडी कर दी पेस्ट। रिफ्रेश करा तो ये देख सकते हैं यहाँ पे नेम चेंज हो गया। अब इसी तरीके से अटैक करके कर सकता था, उसकी ईमेल आईडी भी चेंज कर सकता था। तो जब फॉरगॉट पासवर्ड का लिंक जनरेट करता तो चेंज करी हुई ईमेल आईडी पर आता, तो इस तरीके से फुल अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता। तो उम्मीद है आपको पसंद आया हो और पता लगा हो कि यूयूआईडी कैसे फाइंड करनी है। दो तरीके हमारे पास, एक तो वेबैक मशीन से, या फिर उस वेबसाइट पे आप एक वल्नरेबल एंड पॉइंट ढूंढ लें जो कि यूयूआईडी वगैरह लीक कर रहे हो। धन्यवाद।